भारत का चंद्रयान जैसे जैसे चांद की सतह की तरफ लैंडिंग के लिए बढ़ रहा है, पूरे देश की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। चंद्रयान अब चांद की सतह से करीब है और ऐसे में 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग तक हर रोज बेहद अहम है। 18 अगस्त की शाम 4 बजे लैंडर मॉड्यूल की टी बूस्टिंग होनी थी और इसरो ने ट्वीट कर ये बताया है कि लैंडिंग मॉड्यूल की पहली डी बूस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। ऐसे में आज हम आपको बेहद सरल शब्दों में इस पूरी प्रक्रिया के साथ ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में चंद्रयान 3 को लैंड होने तक कौन कौन से अहम पड़ाव पार करने होंगे। लैंड होने से पहले कई बार अब लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को कम की जाएगी, जिस प्रक्रिया को डी बूस्टिंग कहा जाता है। इसकी पहली डी बूस्टिंग 18 अगस्त की शाम को 4 बजे के करीब की गई है और ये सफल रही है। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल में लगाए गए सभी यंत्र ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और लैंडर की अगली डीबूस्टिंग 20 अगस्त को 2 बजे के करीब की जाएगी। इसके साथ ही इसरो की तरफ से चंद्रयान के द्वारा 15 अगस्त को ली गई एक तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें चांद की सतह पर गड्ढे और पहाड़ जैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसकी सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अब इसे धीरे धीरे लैंड करवाया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस मिशन में आगे चलकर कोई दिक्कत आती है तो इसरो की तरफ से इसको लेकर कौन कौन सी तैयारियां की गई है। इसरो के चीफ एम सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी ये चांद पर लैंड करेगा। सोमनाथ ने कहा है कि अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, कुछ काम ना करे, तब भी विक्रम लैंडर लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह से डिजाइन किया गया है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते हैं तब भी ये लैंड करने में सक्षम रहेगा। इसरो ने इस मिशन के शुरुआत में ही बताया था कि चंद्रयान 2 मिशन में जो भी गलतियां हुई थी उसको सुधारते हुए चंद्रयान 3 में कई बड़े बदलाव और सुधार किए गए हैं और ये पहले के मुकाबले बेहद एडवांस है। इस मिशन में कई और नए उपकरण भी जोड़े गए हैं। जैसा कि अब तक इसरो की तरफ से ये प्लान किया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर लैंडर मॉड्यूल चांद पर लैंड करेगा और इससे प्रज्ञान रोवर निकलकर अपनी स्टडी शुरू करेगा। लगभग 14 दिनों तक प्रज्ञान चांद से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करेगा और इसरो को भेजेगा।